नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एक्यूकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण पहल। दोस्तों क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण खबर, यहाँ पर बहुत जरूरी खबर है। दोस्तों राजस्थान के युवाओं को मिल सकता है बड़ा रोजगार। दोस्तों 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आज ही की न्यूज है। दोस्तों अक्षय ऊर्जा और अन्य जो क्षेत्र है उनमें जो है निवेश कर रहे हैं, इस कारण जो है यहाँ पर 40,000 रोजगार मिल सकता है। बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने दी है ये जानकारी, क्योंकि 1.67 लाख करोड़ का निवेश मंजूर किया गया है राजस्थान में। दोस्तों और जो सारा रोजगार है ये पश्चिम क्षेत्रों में मिलेगा, किसमें, पश्चिमी जिले जो है दोस्तों उनमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह इनकी तरफ। देखिएगा, पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ राजस्थान के युवाओं के लिए क्या खबर है। रात की खबर, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक है, यहाँ पर 1.67 लाख करोड़ का निवेश मंजूर, 60,000 को मिलेगा रोजगार। तो यहाँ पर 60,000 को रोजगार मिलेगा, 60,000 युवाओं को। कोरोना काल के बावजूद अक्षय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेशकों के लिए राजस्थान पसंदीदा स्थान बन रहा है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में राज्य में 1.67 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। यह महत्वपूर्ण अपडेट है। इनमें से अधिकतर निवेश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा। सरकार का आकलन है कि संबंधित इकाइयां स्थापित होने से राज्य में निजी क्षेत्र में रोजगार के 40,000 से अधिक अवसर पैदा होंगे, जिससे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। पश्चिमी जिलों में 90% रोजगार। उद्योग सचिव आशुतोष एटी पेंडेकर के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, ग्रीन को एनर्जी और JSW सोलर अक्षय ऊर्जा में 1,64,540 करोड़। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनट। बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनट ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, PGS, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनट पर। साथ ही डाउनट पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए और डाउनट ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। रुपये का निवेश करेंगे, इससे रोजगार के 37,000 अवसर पैदा होंगे। इनमें 90% जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में होंगे। तो देख सकते हो ये महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए। निवेशों में आ रही अड़चने दूर हो, इसके लिए यहाँ पर VC की गई थी दोस्तों, वॉइस कॉन्फ्रेंस की गई थी, के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेश में आ रही अड़चनों को दूर करें, पर्यटनों में निवेश बढ़ाने का कार्य करें। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर से सटे क्षेत्रों के विकास तथा गैस ग्रिड का काम तेजी से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट में 500 करोड़ का आवंटन पर्यटन विकास कोष के लिए किया गया है। ये राशि प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर ब्रांडिंग करने के आधारभूत संरचना विकास एवं निवेश पर खर्च होगी, यानी कि 500 करोड़ का जो है पर्यटन वगैरह के लिए इनके लिए जो है खर्च करेंगे। और जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है या मुंबई फ्रंट कॉरिडोर है, तो इनको सबको क्या किया गया है, इनको जो है सब कुछ को सही तैयार किया जाए और इनको जो है जो भी अड़चने आ रही है, कोई परेशानी आ रही है दोस्तों राजस्थान के युवाओं को, जिससे रोजगार मिले इनमें, और जो है कुछ परेशानी आ रही है तो उस रोजगार को जो है मिले, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने कल वॉइस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के जरिए देखते हैं दोस्तों कितना जल्दी आपके राजस्थान के जो युवा है उनको दोस्तों 40,000 रोजगार मिल पाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं हम बहुत जल्दी जो है 40,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे कोरोना काल में दोस्तों बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर लगा रहे, परंतु गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही, तो कम से कम प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगी राजस्थान के युवाओं को। और दोस्तों ये जल्दी से
जल्दी ऐसा काम हो जाए तो राजस्थान के युवा खुश हो सकते हैं। दोस्तों कम से कम गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट तो मिल सकेगी, वो अपना घर का खर्चा चला सकेंगे, अपनी मजबूरियों को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों जो उनको खाने के लिए, रूम रेंट के लिए दिक्कतें आती है उनको पूरा हो सकेगा। तो आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट हमें जल्दी मिलेगी, सरकार इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करें, हम ऐसा आशा करते हैं। धन्यवाद मित्रों, सभी युवाओं के लिए जो भी खबर होगी दोस्तों राजस्थान से जुड़ी, यानी कि युवाओं को भर्ती से जुड़ी, वो सारी अपडेट मैं हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाता रहूंगा समय समय पर।